नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालिए, कोई भी नंबर हो, 2 डिजिट्स का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, यानी बड़े से बड़ा नंबर का आप स्क्वायर इजी वे में कैसे निकाल सकते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको टाइम नहीं होता है, या फिर आपको जहाँ स्क्वायर निकालने की जल्दी होती है वहाँ आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक पता भी है तो भी कोई बात नहीं, ये आप वीडियो देख सकते हैं इजीली। और नहीं पता है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ, क्या है आप खुद समझ जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ये तो पता चल गया होगा ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इतना इजी फॉर्मूला है क्योंकि आपने ये अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ रखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला देखिए, 1 से 50 तक के स्क्वायर मैंने क्यों लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसलिए लिखे हुए हैं ताकि इतने आपको याद होने चाहिए। देखिए अगर फिर भी ये भी आपको याद नहीं है ना, तो इस फॉर्मूले से ये स्क्वायर भी आप इजीली निकाल पाओगे। यानी जितना ईजी हो सके मैं आपके लिए ईजी कर दूंगा। कोई भी एक्स वाई जेड हम किसी का भी निकालते हैं, 1 से 50 तक का बीच में मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 33। अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, अब देखिए ये फॉर्मूला है, एक छोटा सा चेंज करूंगा, उस चेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस के साइन हटा के स्लैश के साइन लगा देना है। लगा दिए, फॉर्मूला ये का ये रहेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर हम हटा देते हैं। देखिए ये है मेरे पास फॉर्मूला है, ये मेरे पास नंबर है। अब देखिए ए और बी क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट डिजिट है ना वो हो जाएगा ए और दूसरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप करोगे तो आपको कुछ सेकेंड्स में ये हो जाएगा। ठीक है, ए और बी हमारे पास आ चुके हैं, तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 3, 3 के स्क्वायर यानी 9, स्लैश लगाना है, फिर 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, लिख दीजिए 18, स्लैश फिर से, फिर है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 3। अब 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, आ गया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, राइट से स्टार्ट कीजिए यानी पीछे से 9, तो पीछे 9 लिख दीजिए, यहाँ पे आ रहा है आपका 18। ठीक है, तो पहले वाला डिजिट लिख दीजिए 8, 1 जो है ना वो आपका कैरी होके आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, इट मीन्स 9 है आगे, 9 प्लस 1 होता है आपका 10। तो 1089 यानी 33 का हम निकाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारा ये रहा। ठीक है, 1089, मतलब 1 से 50 के भी अगर आपको याद नहीं है तो इस फॉर्मूले से इजीली निकाल पाओगे। थोड़ी थोड़ा सा कोई बड़ा नंबर लेते हैं दोस्तों, फॉर्मूला यही चलेगा। अब 50 से ऊपर का कोई नंबर लेते हैं दोस्तों, अब मैं नंबर ले रहा हूँ 78। 78 का हम स्क्वायर निकालते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर है 50 से। देखिए कैसे निकलेगा, 7 का स्क्वायर लेना है सबसे पहले, ए स्क्वायर यानी 7 7 ज़ा 49। दूसरा है 2ab, 2 इंटू 7 इंटू 8, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1 1 12। नेक्स्ट है आपका 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64, नंबर बड़ा है लेकिन कुछ नहीं करना है, फिर से राइट से स्टार्ट करना है। पीछे से नंबर है हमारा 4, उसके बाद हमारा आता है 6 6, चला जाएगा इधर कैरी में, तो 112 है, 112 प्लस 6 हो जाएगा 118। तो पीछे का जो डिजिट है ना वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो 11 फिर से बच गया, तो 11 हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऐड, तो ये बन जाएगा 60। तो ये हो गया दोस्तों आपका 6084, इजी है। देखिए अब मैं नंबर ले रहा हूँ अबो 100, यानी 100 से ऊपर का कोई नंबर, यानी 3 डिजिट्स का आपका कोई नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल है आपका 112, 112 आपका नंबर है, इसका निकालना है। अब इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना इस वैल्यू में, कि ए और बी क्या होगा इसमें, जो फर्स्ट दो नंबर है ना वो तो हो जाएंगे आपका ए, और जो बचा हुआ जो लास्ट है ना वो हो जाएगा आपका बी। यानी कि ए स्क्वायर करोगे तो है नहीं, 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर आपका है 121, फिर नेक्स्ट आपको करना है 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 11 इंटू 2, तो 11 इंटू 2 होता है 22, 22 इंटू 2 हो जाएगा आपका 44। नेक्स्ट है आपका 2 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर से आपको पीछे से लिखना है, कुछ नहीं करना है, 4 लिख देना इधर से, इधर से 44 है तो पीछे वाला एक डिजिट आ जाएगा, तो बचेगा 4, 4 चला जाएगा इधर कैरी में, तो 121 प्लस 4 हो जाएगा आपका 125। देखिए दोस्तों कितना इजीली है, मतलब पहला जो मैंने आपको बताया था ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, अब देखिए मैं फटाफट कर रहा हूँ तो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे ये। चलो एक बड़ा और नंबर ले लेते हैं दोस्तों, 3 डिजिट्स का ही, यानी अराउंड 200 के आसपास का, 200 के आसपास का कोई नंबर लेते हैं बड़ा, 196 का अगर आपको स्क्वायर करना हो। ठीक है, थोड़ा सा होता है ये हो जाएगा ए, ये मैंने बताया था पहले दो नंबर्स होते हैं वो आपका बन जाएगा ए, जो बचा हुआ है वो हो जाएगा आपका बी। अब क्या करना है, 19 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्यों कहा था कि 1 से 50 तक के याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि जब बड़े डिजिट्स के आप स्क्वायर निकालते हो ना, तो छोटे वाले जो डिजिट्स हैं ना वो आप निकालने नहीं बैठोगे, उनके आपको याद होने चाहिए,
इसलिए मैंने कहा था 150 तक ये आपको याद होने चाहिए। तो 19 का आपका स्क्वायर है 361, तो डायरेक्टली क्या लिख दीजिए 361। अब देखिए 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 19 इंटू 6 आपका हो जाएगा 228, ठीक है। फिर बचा 6, 6 6 जा 36 हो गया, कुछ नहीं करना है, वापस राइट से स्टार्ट कर दीजिए। 6 आ गया, 3 चला जाएगा, यहाँ पे कैरी ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 231, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा 1, यहाँ पे बच गया 23, इधर कर दीजिए ऐड, यानी ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 6 2 8, और ये 3 3 8 4 1 6। यानी दोस्तों कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 डिजिट्स का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, ये फॉर्मूला लगाओ इजी से इजी वे में, जल्दी से जल्दी आपका स्क्वायर निकल जाएगा। बस इतनी सी याद है कि 150 तक आप थोड़े याद कर लीजिए, नहीं भी होता है ना तो इस फॉर्मूले से ये भी निकल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, आपको ये फॉर्मूला पसंद आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, 2 4 बार प्रैक्टिस करोगे, बड़े से बड़ा नंबर लो, छोटा नंबर लो, इजी वे में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आपके दोस्तों में और जिनको भी नीड है इन चीज़ों की उनमें शेयर भी कीजिए। और आपने अगर हमें अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी मेरे न्यू वीडियोज़ हो आपको जल्दी से उनके नोटिफिकेशन मिल जाए अपलोड होते ही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में।